भागलपुर कमिश्नरी के बलिकिता गांव में छठ पर्व पर इस बार एक अलग ही नजारा दिखा। छठ घाट पर एक दो नहीं बल्कि पांच से ज्यादा वैसे युवक मिले जिनका नाम छठू था। पूछने पर बताया कि छठी मैया से मेरे माता पिता ने संतान प्राप्ति के रूप में मांगा था, इसलिए नाम छठू रखा गया है। बलिकिता गांव के ही समाज सेवी आशा देवी कहती हैं कि ये रिवाज तो सदियों पुरानी है। मौके पर छोटन ठाकुर जी मिले जो इस बार चार बच्चों का मुंडन किया था। वहीं लोगों का कहना है कि जिन बच्चों का जन्म छठी मैया की कृपा से हुआ है उनका मुंडन छठ घाट पर कराना अनिवार्य होता है। एक चीज उपाय है कि छठ माई से जो छठी माई से मांग किया उसी का नाम छठू रख देता है यहाँ के ग्रामीणों ने। मतलब इसमें बेटा ही मांगता तभी छठू नाम रहेगा। छठू नाम रहता है, बेटी हो गया तो उसका छठी रख देती है। अच्छा। बहुत ही दर्जनों छठी भी है, छठू भी नाम लड़का का है जो छठ माँ का दिया हुआ है वरदान प्रसाद के रूप में जो मिला उन लोगों को, तो छठू और छठी नाम रख दिया। छठू मतलब, ये छठू मतलब क्या? छठ के दिन छठी मैया से मांगा हुआ था क्या? हाँ, छठी मैया तो कृपा उनका है। ठाकुर जी यहाँ क्या कर रहे थे घाट पे? यहाँ मुंडन कर रहे। किसका? जजमानाश्री का। कैठो का किए? चाटो। पिछले साल कैठो का किए थे? आप किए हो चाटो कर लीजिए। पिछला साल आओ तो ख्याल रहे थे बस। ठीक है, होता है क्या? चारों का किए मुंडन, काहे किए उसका? मुंडन के कबूलती वर का मतलब कबूल। छठ माई से मंगा हुआ है, माँ पिताजी मांगे थे छठ घाट पर। घर हुआ आपका? बैदाड़ी। आपके गांव में कितना लोग है जिसका नाम छठू है? बहुत लोग है, 8-10 आदमी होंगे हम लोग के छठू नाम का। छठ मैया के दिन हमारा जन्म हुआ था इसीलिए हम। क्या नाम हुआ? मेरा नाम छठू मांझी है। छठू मांझी जी। आपके गांव में कितने छठू नाम का भी है? 10-12 लोग ऐसे हैं जो कि छठ मैया के दिन जन्म उनका हुआ था, मांगा हुआ था, इसलिए छठू नाम से उनका नाम रखा गया है। छठू कुशवाहा। तो ठीक है, लेकिन छठू का है? छठ के ही दिन हुए, छठी मैया से मांगा हुआ है जी। पक्का? पक्का।